पप्पू यादव जी की बात छोड़िए, वो कब क्या बोलेंगे, वो तो लाइमलाइट में रहने के लिए तथ्यहीन बातें करते रहते हैं। वो पहले पूर्णिया संभाले ना, पूर्णिया की जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, पूर्णिया रक्त रंजित है जब से वो लोकसभा जीते हैं। राजनीतिक रोटी इन लोगों का सेकना काम है। पप्पू यादव जी के बारे में नहीं जानता है क्या? बिहार की जनता भली भांति जानता है। बिहार अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से संभल नहीं रहा है, निश्चित रूप से ये दुखदाई है। बिहार की बात करें ना, केंद्र में हैं, केंद्र में तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात। हाँ, कहाँ, अब तो परिवार फर्स्ट उनके लिए है, बिहार की जनता कहाँ फर्स्ट है, बिहार कहाँ फर्स्ट है। तो इन लोगों को बिहार की जनता की चिंता नहीं है, चिंता सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से कुर्सी बनी रहे, सत्ता में रहकर हम मलाई खाएं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ है संजीव सिंह। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव कल हाजीपुर पहुंचे थे, वहां पर एक यादव समाज के जो लोग हैं उनकी हत्या कर दी गई थी, वहीं पर पहुंचे थे। उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि 100 से अधिक विधायक है उनके पास, लेकिन यादव की हत्या हो रही है, इस पर तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी है, क्या कहेंगे? पप्पू यादव कह रहे हैं कि 100 से अधिक विधायक लेके बैठे हैं, लेकिन यादव की हत्या हो रही, कुछ बोल नहीं रहे। दिन रात तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं, शायद उनको पता ही नहीं है। अब जहाँ जाकर वो बोले थे, और घटना के तुरंत बाद हमारे नेता पहुँचे, और दिन रात राष्ट्रीय जनता दल अपराध पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जो जन सरोकार के सवाल हैं, उन सवाल पर सबसे अधिक पूरे बिहार में संघर्ष कर रही है हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हर सवाल पर वो आक्रामक रहते हैं, जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से कर रहे हैं। पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 2-3 दिन का आंकड़ा अगर देखेंगे, प्रत्येक जिले में, बिहार का ऐसा एक भी जिला नहीं है जिस जिले में एक दर्जन हत्याएं, लूट, अपराधी घटनाएं नहीं घटी है। 20 विधायक भी हमारे पास। अरे भाई, पप्पू यादव जी की बात छोड़िए, वो कब क्या बोलेंगे, वो तो लाइमलाइट में रहने के लिए तथ्यहीन बातें करते रहते हैं। वो पहले पूर्णिया संभाले ना, पूर्णिया की जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, पूर्णिया रक्त रंजित है जब से वो लोकसभा जीते हैं। वहाँ जादवों की हत्या हो रही है, वो जादव की ही चिंता कर रहे हैं, तो जादवों का ही तो। लेकिन कह रहे पूर्णिया के लिए हम इतना चिंता कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को वहाँ आके बैठक करना पड़ा। चिंता क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक रोटी इन लोगों का सेकना काम है। पप्पू यादव जी के बारे में नहीं जानता है क्या? बिहार की जनता भली भांति जानता है, उस पे हमें कुछ नहीं कहना। हाँ, लेकिन पूरे बिहार में जो माहौल है, निश्चित रूप से डरावनी है। अपराधी सर पर चढ़कर तांडव मचा रहा है, बिहार अचेत हाथों में है। बिहार अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से संभल नहीं रहा है, निश्चित रूप से ये दुखदाई है। अच्छा, रांची में आज चिराग पासवान जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुने गए हैं, और कह रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हम स्वतंत्र हैं, जहां हमारी पार्टी मजबूती के मजबूत है वहां वहां चुनाव लड़ेंगे। देखिए, वो तो दल चलाते हैं, झटका लगेगा क्या? अरे, एनडीए में सारा चीज कहां कुछ है, न्यूरा कुश्ती जारी है एनडीए में, कुछ सही नहीं चल रहा है वहां, सिर्फ और सिर्फ सब लोग सत्ता में बैठकर मलाई खाना चाहते हैं। बिहार की चिंता किसी को नहीं है, ना तो नीतीश जी को, ना चिराग जी को, ना मांझी जी को। बिहार की बात करें ना, केंद्र में हैं, केंद्र में तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात। हाँ, कहाँ, अब तो परिवार फर्स्ट उनके लिए है, बिहार की जनता कहाँ फर्स्ट है, बिहार कहाँ फर्स्ट है। आप देखें ना, बिहार अगर फर्स्ट होता, बिहार की जनता फर्स्ट होता उसके लिए, तो वो बोलते ना, जाति आधारित गन्ना उपरांत जो
आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रण के कारण केंद्र सरकार को भेजा गया कि भाई संविधान के 9वीं अनुसूची में डालिए, ये डलवाए ना, मुंह में क्यों दही जमा हुआ है। दलितों का आरक्षण बढ़ा है, पिछड़ों का बढ़ा है, अति पिछड़ों का बढ़ा है, भारत बंद का समर्थन करने से होगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए ना, कहा क्यों नहीं बढ़ते अपराध पे बोल रहे हैं, महंगाई चरम पर है, गरीबी चरम पर है। नीति आयोग के रिपोर्ट ने आईना दिखाने का काम किया है, 17-18 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, एक भी उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं, प्लान जारी है, प्रत्येक दिन मुजफ्फरपुर में छात्राओं के साथ बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई, वैशाली में, मधुबनी में, औरंगाबाद में, रोहतास में, भागलपुर में, कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में, बिहार के तमाम जिले में हाहाकार मचा हुआ, क्यों नहीं ये लोग बोलते। तो इन लोगों को बिहार की जनता की चिंता नहीं है, चिंता सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से कुर्सी बनी रहे, सत्ता में रहकर हम मलाई खाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तुमसे बातचीत करते हैं। अरुण यादव ने साफ तौर पे कहा इन लोगों को बिहार की चिंता नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता है, कुर्सी की चिंता है कि किस तरह से हम कुर्सी बैठे रहे और मलाई खाते रहे। साथ साथ चिराग पासवान पर हमला करते हुए कहा है कि चिराग पासवान सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन ये लोग परिवार फर्स्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। साथ साथ बिहार जिस प्रकार से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अपराध पर कोई बोलते नहीं है और सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुन रहे थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।